So hello everyone and welcome to yet another fun, exciting and interesting episode of Life Connect. My guest tonight is a rare talent. He's a left-arm unorthodox spinner, also known as a Chinaman bowler. So this term, you know, the origin is very uncertain. But one of the versions of the origin is the test match that happened in 1993 between England and West Indies at Old Trafford, where a West Indian player of Chinese origin, Elise Achong, who was a left-arm unorthodox spinner, he stumped out Walter Robbins, and as Robbins was walking to the pavilion, he uttered to the umpire, "It's very annoying to get dismissed by a Chinaman." So it's kind of racist. But in 2017, an Australian journalist picked up on this and said it is very offensive, and so in 2018, Wisden has discontinued the usage of this word. But I think they should come up with something interesting. So this young lad from Kanpur, he got all the eyeballs in the 2014 Under-19 World Cup when he picked up hat-trick against Scotland, and then he went ahead to pick up 4 big wickets of Australia in his debut test match. Not only that, with his confidence and flair and talent, he went ahead and to become the second bowler after Bhuvaneshwar Kumar to pick up 5 wicket hauls in all 3 formats. And I am now going to be sending an invite to Cool Deep, most popularly known as KD. So stay tuned. What's up, KD? Hi, Maruna. How are you? I am very good. लगभग 2 साल के बाद हम लोग ऐसे बात कर रहे हैं ना? Actually काफी time हो गया और I really feel कि अच्छा रहा ये बात interaction, क्योंकि lockdown की वजह से IPL हो नहीं रहा इस बार और definitely बहुत फर्क पड़ रहा है, क्योंकि cricket नहीं हो रही है तो आप कहीं ना कहीं आपको जो profession है आप उसको miss करते हैं. So definitely काफी time बाद ये अच्छा time है बात करने का और start करते हैं. Well, thank you for joining me on Live Connect. अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाइए. Actually, ये वर्ड सुनने के लिए ना मैं बहुत तरस गई थी. How much do you miss traveling? Actually, you know, it's been a four month, you know, और काफी time हो गया है और बहुत miss कर रहे हैं, क्योंकि साथ ही साथ में traveling के अलावा साथ ही साथ अपने teammates को बहुत miss कर रहा हूँ, क्योंकि जिनके साथ आप ट्रैवलिंग करते हैं, दो-दो घंटे की फ्लाइट पकड़ते हैं और जितना जो एंजॉय करते हैं वो सारे पल हमेशा याद आते हैं और वो बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि आईपीएल बहुत हैक्टिक होता है और एक एक दिन मैच खेलना फिर नेक्स्ट डे ट्रैवल, तो जो वो ट्रैवल होता है 2 घंटे का आई फील कि वो काफी मजेदार होता है और एट द सेम टाइम बहुत हैक्टिक भी होता है. हैक्टिक से मुझे याद आया, तुम्हें फ्लाइट याद है हैदराबाद वाली? एक्चुअली मुझे वो फ्लाइट आया था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तो मर गया और सच में उस दिन मुझे ऐसा लगा कि आखिरी दिन है, और जो ए ड्रॉप जो हुआ था 2-3 बार उसमें तो मेरी तो जान ही निकल गई थी. और मुझे याद है कि उसी फ्लाइट में जो हमारे आगे सीट थी उसमें छोटी सी बच्ची या फिर बेटा था, वो भी 10-12 साल का था, वो हंस रहा था जोर से और मुझे गुस्सा आ रही थी, मैंने कहा क्या पागल. तो वो चीज भी मुझे याद है, मैंने गुस्सा देखा तुम्हारे चेहरे पे, और बाद में मैंने तुमको पूछा भी था कि कुलदीप यार इतना गुस्सा किया, लाइक तुम्हें क्या पता यार, मुझे लगा था अभी जान जाने वाली थी मेरी. एंड डोंट वरी, वी ऑलवेज सेलिंग इन द सेम बोट, हमें भी वैसे ही लगा था. मेरे लिए तो बिल्कुल अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, ऑब्वियसली किसी के लिए भी नहीं था. बट अभी आईसीसी ने एक टेम्पररी रूल निकाला है कि बोलर्स कैन नॉट यूज सलाइवा, और अगर 2-3 बार आप करेंगे तो लीनियंसी दिखाई जाएगी, 4th बार ऑपोजिट टीम को 5 रन्स दिए जाएंगे. तो आप इस चीज से कैसे कोप अप करने वाले हैं? मुझे लगता है ये बहुत डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि क्योंकि जो आपकी हैबिट होती है बचपन में ये सलाइवा यूज करने की, आप अर्ली डेज में जब क्रिकेट स्टार्ट करते हैं तो आपकी आदत होती है कि हाँ आपको रगड़ना है, बॉल साइन करना है, और अभी जैसे ही रूल आ गया तो वो बहुत डिफिकल्ट होगा, इसको अडेप्ट करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उसके लिए भी शायद मुझे लगता है टाइम लगेगा, 1-2 हफ्ते भी लग जाए, क्योंकि आपको सलाइवा बॉल पे लगाना नहीं है और कहीं ना कहीं आप बाय मिस्टेक भी आप कर सकते हैं, तो ये चीज हैबिट से निकालनी पड़ेगी और ये बहुत चैलेंजिंग रहेगा.
तो अभी आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिकॉज आई मैसेज यू और आपने बोला आई एम प्रैक्टिसिंग एवरी डे, तो इस प्रैक्टिस सेशन में आप उसकी आदत डाल रहे हैं? हाउ आर यू ट्राइंग टू वर्क आउट विद इट? हाँ एक्चुअली मैं सलाइवा यूज नहीं कर रहा हूँ और 90% मुझे यूज टू नहीं हो गया. अब मुझे यूज टू हो गया हूँ कि मुझे सलाइवा नहीं लगाना है बोल पे, तो स्टिल 10% है और मुझे लगता है 1-2 दिन में वो भी चला जाएगा. क्योंकि आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो, और गर्मी बहुत ज्यादा है तो आपकी स्वेटिंग ज्यादा हो रही है, तो आप स्वेट स्वेट यूज कर सकते हैं, सलाइवा की जरूरत नहीं पड़ रही है यहाँ पे. पर वेयर अगर आप कहीं कंडीशंस बहुत अलग रहेंगी, वहां पे ठंड रहेगी, वहां पे अगर स्वेट नहीं निकल रहा तो आपको सलाइवा की जरूरत पड़ेगी. तो मुझे ऐसा लगता है ये अभी टेम्पररी रूल है और शायद इस पेंडेमिक को देखते हुए उन्होंने बनाया. होपफुली ये क्लियर होगा तो शायद हमारे लिए काफी अच्छा रहेगा. ऑब्वियसली. और एक और मुझे सुनने में आया है कि अभी 13 से 14 नहीं बल्कि 25 से 30 प्लेयर ले जाए जाएंगे इंटरनेशनल मैचेस के लिए, तो विल इट बी गुड और बैड फॉर द करंट स्क्वाड? आई डोंट नो, सीरियसली आई डोंट नो कि कैसे वो कैसे मैनेज किया जाएगा व्हेन वी आर प्लेइंग अब्रॉड. बट वहां तो डेफिनेटली आपका स्क्वाड 17-18 जाता है, बट जब होम कंडीशन में खेलते हैं तो 15-15 का स्क्वाड रहता है. तो वहां पे शायद मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 प्लेयर स्टैंड बाई पे रखेंगे. पर स्क्वाड में अगर ज्यादा स्क्वाड बढ़ता है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फोकस टीम का हिलता है. मुझे ऐसा लगता है अगर आपका लिमिटेड स्क्वाड रहता है 15 का तो आपका फोकस क्लियर रहता है. अगर ज्यादा स्क्वाड रहेगा तो फिर आप कहीं ना कहीं सपोर्ट स्टाफ भी उतना ध्यान नहीं दे सकते सबको, तो वो भी एक चैलेंज रहेगा. क्योंकि ये पहले कभी हुआ नहीं है, मोस्टली कैंप में होता है, कैंप वगैरह में होता है कि 25 लड़कों का कैंप लग गया, 30 लड़कों का कैंप लग गया. वहां भी आप देखेंगे वहां पे फिजियो ट्रेनर 2-2 3 दिन रहते हैं, उसके अलावा भी वो मैनेज नहीं कर पाते, किसी को किसी पे ध्यान कहीं ना कहीं छूट जाता है. पर इंटरनेशनल क्रिकेट में सभी अच्छे प्लेयर रहेंगे, 25 जो सेलेक्ट होंगे वो बेस्ट रहेंगे और फिर भी बड़ा स्क्वाड रहेगा मेरे हिसाब से. तो परफॉर्मेंस प्रेशर बढ़ जाएगा क्योंकि कंपटीशन लेवल बढ़ जाएगा. नहीं क्योंकि आप टीम तो 15 की बनाएंगे ना, उसके बाद जो आप रखोगे तो वो आप स्टैंड बाई में रखोगे, जो प्लेयर रहेंगे वो स्टैंड बाई में रहेंगे. ऐसा नहीं होगा कि सीधा 25 का स्क्वाड निकाल देंगे, वो स्क्वाड नहीं निकालेंगे, 15 का स्क्वाड निकालेंगे, उसके बाद 5-6 जो वो निकालेंगे वो स्टैंड बाई रहेगी. लेकिन अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही तो देयर इमीडिएट रिप्लेसमेंट, सो दैट्स द प्रेशर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. इसके बारे में अभी सोचा नहीं है, तो डेफिनेटली अगर कैसा कुछ होता दिमाग से तो जरूर बताऊंगा. आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑन यू. इनफैक्ट आप लाइव आने से पहले मैं सबको बता रही थी, अगर मैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ मैच देख रही हूँ एंड व्हेन यू कम टू गोल आई पुट अ बेट कि अब देख बेटा ये विकेट उठाएगा जरूर. आई एम सो कॉन्फिडेंट अबाउट यू, यू नो. थैंक यू बट सो मच, थैंक यू सो मच. बट मोस्ट वेलकम. एक्चुअली यस एक्चुअली या अगर अगर ऐसा टैग आपको मिलता है कि अगर आप विकेट टेकर हैं और सब लोग बिलीव करते हैं, फैंस आपके बिलीव करते हैं, आपके फ्रेंड्स बिलीव करते हैं, फैमिली बिलीव करती है कि विकेट निकालेगा, तो वो बहुत अच्छी फीलिंग है. जी बिल्कुल, क्योंकि उस बिलीव से आपकी एनर्जी भी ऑब्वियसली चेंज हो जाती है ऑन फील्ड. बट के लिए आजकल अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो यू नो अनएम्प्लॉयमेंट और लोनलीनेस की वजह से बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज हो रही है, और आप ऐसे दौर से गुजर चुके हैं व्हेन यू आर नॉट सिलेक्टेड फॉर द अंडर 15 उत्तर प्रदेश टीम. तो मैं जानना चाहती हूँ उस समय एक इंसान के मन में क्या चलता है और आप उस समय उस डिफिकल्टी से कैसे बाहर आ पाए, बिकॉज आई वुड लाइक आवर व्यूअर्स टू टेक बैक दैट लेसन फ्रॉम यू. एक्चुअली सबकी लाइफ में ऐसा होता है, सबकी लाइफ में फेलियर्स आते हैं. आई एम श्योर कि हर किसी की लाइफ में वो कहीं ना कहीं वो फेल होते हैं, पर फेलियर के बाद ही सक्सेस. अगर आप कभी आप सोचेंगे कि आप सक्सेसफुल इंसान बनेंगे विदाउट फेलियर, तो कभी कभी नहीं होगा, किसी भी नॉट इवन सिंगल पर्सन के लाइफ में कभी होगा ऐसा. और एक्चुअली जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था तो मुझे भी ऐसा लगा कि यार मुझे क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए, इसमें कुछ है नहीं. आई वाज वेरी वेरी मच वरिड कि मेरा करियर कैसा होगा और मैं कैसे देखूंगा अपने फ्यूचर में क्या करूंगा. तो उस टाइम पे मेरे डैड और कोच ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया, बात किया मुझसे, मोटिवेट किया उन्होंने. तो
और शायद मेरे पिताजी ने मुझे एक बात बोली थी कि जो तेरे पास टैलेंट है वो तुझे नहीं दिखता है, वो मुझे दिखता है, तो उसको समझ, उसको समझ। तो ये चीजें आपको मोटिवेट करते हैं कि जब आपके करीब लोग, जो आपके डैड या फिर माँ आपको बिलीव रखे, आपके कोच आपसे बोले, तो फिर परेशानी की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। पर कहीं ना कहीं लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि वो इतना मेहनत करते हैं, उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आता है, तो वो ज्यादा सोचने लगते हैं, फिर डिप्रेशन में जाते हैं। बट मेरा ये मानना है कि अगर आप दिल से, सच्चे दिल से आप कोई मेहनत करते हैं, अगर आपको लगातार मेहनत करते हैं, कहीं ना कहीं आप, बहुत बार ऐसा होगा कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, पर आपको पकड़ के रखना है, वो चीज छोड़नी नहीं है। अगर आप हार गए तो आप छोड़ देंगे तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो उस चीज को टाइम आने तक बिताएं, क्योंकि वहां पे रहें, क्योंकि हमेशा वही टाइम हमेशा नहीं रहेगा, वो टाइम बहुत जल्दी चेंज होता है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि 100 दिन का स्ट्रगल होता है और 1 दिन का स्टार स्टार आप बना देगा, तो आपकी 100 दिन की जो मेहनत होगी वो आपको 1 दिन में दिखेगी। तो ये मेरा मैसेज सभी यंगस्टर के लिए है कि आप ये मत सोचे कि आपको 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन मेहनत करनी है, हमेशा आपको मेहनत करते रहना है। मेहनत और शॉर्टकट तो अपनी लाइफ में कभी लेना ही नहीं, इसके बारे में कभी सोचना नहीं। आजकल बहुत से लोग शॉर्टकट में बिलीव रखते हैं कि ये कर ले तो इससे पैसे कमा लेंगे, वो कर ले तो इससे पैसे कमा लेंगे, पर वो कोई हल नहीं है आपके फ्यूचर का। तो मेरा ये मानना है कि आपको मेहनत करनी है, आपको अगर आपको बड़ा नाम या फिर आपको बड़ा कुछ करना है लाइफ में, तो आपको बहुत सी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हिंदी में एक कहावत है, वहां तूफान भी झुक जाते हैं जहां कश्तियां डट के रहती हैं। एंड वी आर सो ग्लैड कुलदीप कि आपने उस समय जो डिफिकल्टी थी उससे आप बाहर आ पाए, क्योंकि अगर अगर आप वो नहीं करते तो इंडिया को हमारा चाइनामैन बॉलर कैसे मिलता, वो भी 82 इयर्स बाद। वी आर सो बिल्कुल ग्लैड, वी आर सो बिल्कुल, ग्लैड। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, बहुत सारे क्रिकेटर जुड़ रहे हैं इसमें, और अक्षर पटेल ने मेरा बचपन का दोस्त है, मैंने काफी क्रिकेट अक्षर पटेल के साथ खेली अंडर 19 से लेके, वो भी मैसेज कर रहा है। तो अच्छा लगता है कि आपके जो बचपन के जो यार हैं हमेशा आपको याद करते रहते हैं, और बहुत टैलेंटेड प्लेयर रहे हैं जिनके साथ मैंने बचपन में क्रिकेट खेली है, हमेशा आपको मोटिवेट करते रहे अच्छा बनने में। तो थैंक यू सो मच अक्षर, और सेल्फी जरूर मिलेगी। प्लीज हाउ कैरी ऑन। स्वीट, हाउ स्वीट। तो वैसे पॉपुलैरिटी, स्टारडम, ये सारी चीजें आती हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है। एंड केडी, टाइम एंड अगेन व्हेन आई वर्क विथ यू 2 इयर्स बैक, मैंने देखा है आपकी ह्यूमिलिटी, जैसे आपने मेरे साथ इंटरेक्शन किया, हालांकि कोई मुझे नहीं जानता, बट द वे यू ट्रीटेड मी, द अदर क्रिकेटर्स ट्रीटेड मी, ये बहुत चीजें मायने रखती है लाइफ में। एंड बिल्कुल कूडोज टू बिल्कुल बिल्कुल, आपको हमेशा डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हर हर को हर किसी भी इंसान का अच्छा टाइम होता है, हर किसी इंसान का बुरा टाइम भी होता है। तो अगर आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप बहुत हम्बल हैं, बहुत डाउन टू अर्थ हैं, तो आपके बुरे टाइम में बहुत सपोर्ट लोग करेंगे आपको। और मुझे ऐसा लगता है, मैंने ये चीज सचिन पाजी से सीखी है, और उन्होंने इतने वाह। साल क्रिकेट खेली है, और जब मैं उनसे पहली बार मिला था तो उन्होंने मुझे यही बात समझाई थी, तो मेरे दिमाग में हमेशा रहती है कि हमेशा अच्छे इंसान बन के रहना है। और मेरा यही मानना है कि अगर आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग रहेंगे तो आपकी हर जगह रिस्पेक्ट होगी। बिल्कुल बिल्कुल। एंड केडी के सारे फैन जो सुन रहे हैं, प्लीज अगर आप लाइफ में कुछ भी बनना चाहते हैं, अगर अभी चीजें नहीं ठीक जा रही है, आपके हिसाब से नहीं जा रही है, जस्ट होल्ड ऑन, अपना टाइम आएगा, इज व्हाट आई बिलीव बिल्कुल, इन एवरी डैम मेरे टाइम। पार्टनर जी का भी मैसेज आया है, चहल का। ओके पाजी, हाँ चहल आपके लिए तो स्पेशली है, और थोड़ा थोड़ा सीरियस रहो। बहुत मजाक करता है, अभी पबजी के मास्टर हो गए चहल, तो यस प्लीज। वैसे केडी, आप दोनों की केमिस्ट्री ऑन फील्ड इज सुपर्ब, कुलचा इज वेरी वेरी फेमस। तो लेकिन आपने 34 मैचेस साथ में खेले हैं, वनडे इंटरनेशनल मैचेस, 65 विकेट्स उठाए हैं आपने और चहल ने, फिर भी कई एक्सपर्ट्स के इंटरव्यूज मैंने देखे हैं जहां पे वो कहते हैं कि
विराट फाइंड्स इट वेरी कंफ्यूजिंग टू यूज बोथ ऑफ यू इन अ मैच. और कपिल सर ने भी कहा है इट लिमिट्स द लाइनअप ऑफ बैट्समैन, यू नो. तो आपकी क्या राय है? अब बिल्कुल डिफिकल्ट होता है दोनों को साथ खिलाना, क्योंकि कॉम्बिनेशन बहुत मैटर रखता है। अगर आप कोई टीम टीम गेम खेलते हैं तो उसमें टीम के बारे में पहले सोचा जाता है, ना कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखी जाती है। हालांकि हमने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है साथ में, बट एट द सेम टाइम कॉम्बिनेशन को देखते हुए टीम सेलेक्ट होती है। और होपफुली फ्यूचर में आप फिर साथ खेलेंगे, परफॉर्म करेंगे, और यही हम लोग हमेशा यही एक दूसरे को बोलते हैं और हमेशा चाहते हैं कि साथ खेले। पर कहीं ना कहीं आपको कॉम्बिनेशन भी देखना पड़ता है, और जो कि टीम के लिए बहुत सही चीज है, और इस पे दोनों एग्री करते हैं। आप दोनों की एक इंटरव्यू मैंने देखी विद संजय मांजरेकर आफ्टर इंडिया वर्सेस श्रीलंका फर्स्ट इनिंग्स. तो जब संजय मांजरेकर आपको क्वेश्चन पूछ रहे थे, आप बात कर रहे थे, चहल वाज गिविंग इट द लुक, अच्छा बेटा क्या इंग्लिश झाड़ रहे हो. एंड व्हेन ही वाज टॉकिंग यू वर गिविंग हिम दैट सेम लुक. उस इंटरव्यू के बाद तुम्हारी कॉन्वर्सेशन क्या हुई वो मुझे बताना. कहाँ पे हुआ था इंटरव्यू, जरा एक बार बताना प्लीज। इंडिया वर्सेस श्रीलंका अभी की बात है? 2017, 2017, 3 साल पहले की बात वो तो याद भी नहीं है, काफी टाइम हो गया। है. और जब एक्चुअली जब इंटरनेशनल आप क्रिकेट खेलते हो तो फिर आप साथ साथ खेलते हो, तो फिर एक दूसरे की सिंचाई भी करते हो। तो मैंने कहा अच्छा अच्छा अच्छी बोल रहा था ये वो, फिर बोला अच्छा ये सीख रहा हूँ। तो ऐसे एक दूसरे को भी खींचते रहते टाइम, ऐसा नहीं कि हम लोग ग्राउंड पे ही मस्ती करते हैं, पर बाहर भी हम ज्यादा मस्ती करते हैं, क्योंकि बाहर हमें कोई देखता नहीं है, तो बाहर पूरा खुले की तरह घूमते हैं, पूरा एंजॉय करते हैं, और बहुत अच्छी कंपनी है हमारी, और अच्छा टाइम भी कटता है जब साथ रहते हैं। हाँ जी बिल्कुल. एंड इट्स गुड टू हैव दैट टीम स्पिरिट, यू नो. इट हेल्प्स टू प्ले बेटर, इट हेल्प्स यू टू प्ले बेटर एंड परफॉर्म बेटर एज अ टीम. बट राइट यू आइडलाइज शेन वॉन, राइट? पहले वसीम अकरम थे बिकॉज यू वांटेड टू बी अ पेसर, बट नाउ शेन वॉन. आपके टेस्ट डेब्यू मैच के पहले डिड यू गेट अ चांस टू मीट हिम? हाँ, मैं मिला था उनसे पुणे टेस्ट मैच में। तो अच्छा, फर्स्ट 10 मिनट क्या आई एडवाइस वाज दिया? लाइक एक्चुअली जब मैं उनसे मिला तो अनिल सर उस टाइम कोच थे हमारे टीम के, और मैंने अनिल सर से बोला था कि मुझे मिलना है, बात करनी है। तो जब मैं पहली बार उनसे मिला तो मैं 10 मिनट तो बोला ही नहीं, वो अनिल सर से बात कर रहे थे, कुछ समझा रहे थे मुझे। हाँ मैं देख रहा था ओके। फिर मैंने बोलना स्टार्ट किया कि सर हाँ मुझे ये, मेरा एक्शन ये है और ऐसा ऐसा मुझे ऐसा लगता है। फिर काफी बातें की मैंने, अपने जो मेरे प्लान होते हैं मैंने बोले कि हाँ मैं कभी कभी ऐसा फील करता हूँ इधर से बॉल डालना उधर से, तो बोलते हैं बहुत ज्यादा सोचते हो तुम यार। तो मुझे लगा यार कि अभी इतनी एज में सोचूंगा नहीं तो कब सोचूंगा। तो उनका यही था कि बहुत बहुत, क्योंकि वो मेंटली बहुत स्ट्रांग थे, और मुझे ऐसा लगता है कि वो बॉलिंग से ज्यादा अपने दिमाग से बैट्समैन को आउट करते थे, उनकी प्लानिंग जो होती थी वो उनकी बेहतर थी। तो वो छोटी हाँ छोटी जी बातें, उसके बाद काफी टाइम मैं मिला उनसे, फिर छोटी छोटी बातें, ज्ञान देना जो कि कोच लोग करते हैं, और उसके बाद अच्छे फ्रेंड बन गए, फिर काफी बातें होने लगी। ऑस्ट्रेलिया टूर में काफी साथ रहे, अब कभी भी मुझे ऐसा लगता है मुझे बात करनी चाहिए तो मैं बात भी करता हूँ उनसे, कॉल पे मैसेज पे। तो अभी बहुत नॉर्मल हो गया। तो हाँ बचपन जब मैं छोटा था तो हमेशा आप सोचते हो कि आप जिसको एडमायर करते हैं, आप अगर उनके साथ आपको बात करने का ही मौका मिले वो बहुत बड़ी चीज है। मैंने कभी सोचा नहीं था अपनी लाइफ में कि मैं उनसे कभी मिल पाऊंगा या फिर मैं कभी उनसे बात कर पाऊंगा, तो ये चीज पॉसिबल हुई। तुम तो बहुत बड़े खिलाड़ी निकले. ऑस्ट्रेलियन लेजेंड से एडवाइस लेके उन्हीं के प्लेयर्स को चारों कान खाने चित कर दिया, वो भी टेस्ट डेब्यू मैच में. एंड द फर्स्ट बिग विकेट यू हाँ गॉट वाज द फर्स्ट बिग विकेट यू गॉट वाज ऑफ डेविड वॉर्नर. तो आपने उन्हें फ्लिपर या रॉन्गन से आउट किया था, विकेट ली थी? नहीं, मैंने फ्लिपर ही फेंका था, क्योंकि जब मैं उस टाइम, जब आप गेम खेलते हैं तो आपका दिमाग बहुत तेज चलता है, आप सोचते हो कैसे, क्योंकि उस टाइम पे कहीं बाहर का दिमाग नहीं चलता कि मुझे ये खाना है वो खाना है, तब दिमाग ऐसा नहीं चलता है। दिमाग उस टाइम ये हाँ चलता है कि यार इसको कैसे आउट किया जाए। तो जब मैं लंच ब्रेक में गया तो स्पेशली लंच ब्रेक में लंच ही होता है, तो मैंने लंच भी नहीं किया था, मुझे याद है मैंने कुछ खाया भी नहीं था। मैं दिमाग में ओ चल रहा था मैं कैसे कैसे इसको फंसाऊ, कैसे आउट करूँ। तो मेरे दिमाग में आया कि मुझे दो तीन इसको मैं फ्लाइट बॉल फेंकूंगा आगे, मतलब जो स्लो बॉल फेंकता है उसको डालूंगा, फिर मैं फ्लिपर फेंकूंगा तो शायद ये बोल्ड हो सकता है, लेग बिफोर हो सकता है। तो मेरे दिमाग में ये था, और एग्जैक्टली जैसा मैंने प्लान किया था, एक ओवर मैंने उनको वैसे फ्लाइट दिया, पूरी 3 बॉल मैंने उनको डिफेंस कराई, फिर नेक्स्ट ओवर में जब पहली बॉल ही मैंने फ्लिपर फेंकी,
तो जो कॉट बिहाइंड फैंटास्टिक। हुए कॉट स्लिप पे जो आउट हुए वो सेम बॉल वही था फ्लिपर। हाँ, और उसके बाद तो लाइन लग गई, हैंस्कॉम, पैट कमिंस, मैक्सवेल, सबको आउट कर दिया तुमने। बट यू नो, फॉर सच अ यंग प्लेयर टू हैव दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस। विराट कोहली उस मैच से पहले इंजर हुए थे और आपको वो चांस मिला था, है ना? लोग उनसे मिलने के लिए तरसते हैं, और उस मैच के पहले ही वाज गिविंग यू बॉटल्स ऑफ वाटर, एंड आई एम श्योर ही गिव यू एडवाइस टू, राइट? डेफिनेटली डेफिनेटली बहुत अच्छे कैप्टन मिले हैं मुझे ऐसा लगता है, और बहुत बैक करते हैं यंगस्टर को और काफी सपोर्ट किया है मुझे अपने करियर में। और वो ऐसे कैप्टन है जो प्लेयर की स्किल पे बिलीव करते हैं, उनको पूरी फ्रीडम देते हैं एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे मैं जब टीम में गया तो उन्होंने पूरी मुझे फ्रीडम दी, उन्होंने हमेशा बोला कि हाँ जो तेरा स्किल है वही दिखा, वो हमेशा बैक किया उन्होंने। जब जरूरत पड़ती थी वो बात करते थे, समझाते थे, और ऐसा लीडर चाहिए टीम में, क्योंकि आप सोचते हो कि हाँ आप आपका कैप्टन आप पे बिलीव रखे, आपको उससे उससे आपको कॉन्फिडेंस ज्यादा आता है, और वो चीज आप एज ए प्लेयर एज ए यंगस्टर आपको चाहिए, और वो चीज मुझे पूरी कैप्टन सपोर्ट स्टाफ से पूरी बराबर मिली। Wow, that's fantastic to watch. But you know, so who do you prefer as a captain? MS Dhoni or Virat Kohli? Chalo, let me अरे ask you the right question. एक्चुअली मैंने माई भाई की कप्तानी में कभी क्रिकेट खेली नहीं है, तो मुझे आइडिया नहीं है। ऑफ कोर्स माई भाई ने इतना इंडिया के लिए किया है, डेफिनेटली सबका अलग अलग कप्तानी का नेचर होता है, और माही भाई का बहुत कूल टेम्परामेंट था, बहुत समझ के डिसीजन लेते थे, और विराट भाई का डिफरेंट है, एग्रेसिव है बिल्कुल, एज ए लीडर टीम को लीड करते हैं, एफर्ट करते हैं फील्ड पे, वो कि आपको चाहिए, आपको दोनों चाहिए, आपको टीम टीम परफॉर्म करने के लिए दोनों चाहिए, दोनों का दिमाग अच्छा है, तो मैं किसी को चूज नहीं कर सकता। ओके, फेयर इनफ, बिकॉज आई थिंक पूरी इंडिया, ना केवल आप, ये दोनों MS धोनी और विराट कोहली पे जान छिड़कते हैं, तो आई वुड सी गुड आंसर दैट वन, नहीं केडी। नहीं एक्चुअली मेरे दोनों बहुत फेवरेट है, और मैं बहुत बड़ा फैन हूँ दोनों का, तो मुझे नहीं लगता किसी को चूज करने की जरूरत है दोनों में से, दोनों दोनों साथ में रहेंगे तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। और ऐसा मानना है कि बैट्समैन एक स्पिनर्स के अगेंस्ट रन स्कोर कर सकते हैं, और अगर आप जब बॉलिंग करते हैं और आपके बॉल पे बैट्समैन छक्का मारता है, चौका मारता है, उस समय मैंने देखा है आपकी परफॉर्मेंस की ग्राफ, आप उसके बाद जरूर विकेट उठाते हैं। तो हाउ डू यू कीप योर सेल्फ सो काम, एंड आप वो प्लानिंग कैसे करते हैं वो बताइए हमें। लुक इट्स वेरी सिंपल, यू नो जब आप क्रिकेट स्टार्ट करते हो तो ये बेसिक चीजें आप सीखते हो, और जब मैं छोटा था तो स्टार्टिंग डेज में मुझे सर ने बताया, क्योंकि मैं सीनियर में खेलता था तो वहां पे सिर्फ मुझे मारते थे लोग, बैट्समैन लंबे लंबे शॉट मारते थे, तो शायद वो डर आपके दिमाग से या फिर आपके जहन से निकल गया कि बैट्समैन लंबे छक्के मारेगा छक्के मारेगा, तब वहां से आ गया कि नहीं यार छक्के तो पड़ेंगे, क्रिकेट बॉलर को पड़ती है छक्के मरते, अगर अगर आप हमेशा सर बोलते थे कि छक्का खा के अगर आपने नेक्स्ट बॉल पे आउट कर लिया तो आपकी जीत है, आपने 6 रन पे आउट कर दिया बैट्समैन को, तो सिंपल सी चीज है कि अगर आप बहुत बार होता है इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छे प्लेयर बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर बैटिंग करते हैं, और आप कभी 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 आप सक्सीड होते हैं कभी कभी नहीं होते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम हमेशा यही प्लान करता हूँ कि अगर कोई अटैक कर रहा है तो उसको फंसाया जाए अपने जाल में फंसाया जाए मोस्ट, और हालांकि बहुत बार ऐसा होता है कि फंस जाते हैं बैट्समैन, पर कभी कभी बैट्समैन बहुत अच्छा खेलते हैं, और इंटरनेशनल क्रिकेट में मुझे लगता है क्रिकेट लेवल इतना ऊपर है कि बैट्समैन रीड भी करता है आप क्या फेंक रहे हो क्या बॉलिंग कर रहे हो, तो वो भी हाँ बहुत जी, चैलेंजिंग है। हाँ जी, बिल्कुल। और ये स्ट्रेटजी कभी कभी बहुत भारी भी पड़ सकती है, स्पेशली इन अ बिल्कुल T20 फॉर्मेट, विच बिल्कुल हैपेंड बिल्कुल लास्ट ईयर अगेंस्ट RCB एंड अगेंस्ट यस मोइन यस यस अली। उसके बाद आपने अपना कॉन्फिडेंस कैसे रीगेन किया? यू नो लुक व्हाट हैपेंड इन द लास्ट गेम इन लास्ट ईयर लास्ट गेम अगेंस्ट आरसीबी। ऐसा कभी कभी होता है, कभी कभी आपके दिमाग में आपके दिल में कुछ और आता है, दिमाग का कुछ और बोलता है, तो एग्जैक्टली लास्ट ईयर वैसे ही हुआ मेरे साथ, और मेरा दिमाग बोल रहा था कि मुझे राउंड द विकेट बॉल डालनी चाहिए, मेरा दिल बोल रहा था कि मुझे ओवर द विकेट बॉल डालनी चाहिए, मैं इधर से आउट कर लूंगा, और पहली बॉल पे शायद 4 गया था, दूसरी बॉल पे शायद 6 गया था, तीसरी बॉल पे कैच भी छूटा था, तो मुझे हाँ याद है कि जी, इजी इजी कैच यस छूटा था, फिर उसके बाद चौथी बॉल पे छक्का पड़ा, फिर पांचवी बॉल पे फिर चौका पड़ा, तो
ऐसा होता है गेम में, अगर आप अपने दिमाग के किसी ना कहीं, तो जब आप जब 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 लास्ट जब मैं लास्ट बॉल डालने आया तो मैंने लगा कि हटाओ यार, मैं जैसे नहीं डाल रहा, मैं अपने दिमाग से ही काम करूंगा, तो मैंने राउंड दे विकेट डाला तो वो इजी आउट हो गया। तो मुझे इस चीज का बहुत बुरा लगा कि मैंने अपने दिमाग की बात क्यों नहीं सुनी, और कहीं ना कहीं मैं उससे ज्यादा अपसेट था ना कि रन पड़ गए मुझे, ये नहीं था, मुझे था कि यार मैं राउंड द विकेट डालता पहले ही बॉल पे आउट कर सकता था इसे। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग भी आपकी होती है पर आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। कभी कभी आप सोचते हैं कि आपने ये प्लान किया है पर एग्जीक्यूशन के लिए आपको वो चीज करनी पड़ेगी तभी आप सक्सीड होंगे। तो उस चीज को मैं हमेशा मानता हूँ कि नहीं यार, वो मेरे से मिस्टेक हुई, शायद उस ओवर की वजह से। कहीं ना कहीं उनका स्कोर कहीं 120 था, 14 ओवर में 15 ओवर में 150 रन हो गए। तो ये फर्क डालती है गेम में, और सिर्फ आप उसको आप उससे सीखते हो ना कि उस पे ज्यादा फोकस करते हो। हाँ डेफिनेटली उसके बाद लगता है कि आपने आपकी वजह से मैच हार गए, होता है क्योंकि यंग एज में क्रिकेटर्स के साथ होता है, कहीं हमेशा आप सक्सीड नहीं हो सकते, तो फेलियर भी आपके लाइफ में आएंगे, बुरा टाइम भी आएगा। तो उस टाइप को हैंडल करने के लिए मैं अपने कोच से ही बात करता था, हमारे टीममेट्स भी थे बात करने के लिए, पर एट द सेम टाइम जो हमारे इंडियन टीम के स्क्वाड थे, जो हार्दिक था, रोहित भाई थे, उन्होंने काफी बैक किया, उन्होंने अच्छे से बात की, समझाया। तो सीनियर प्लेयर का बहुत बड़ा रोल रहा, विराट भाई ने काफी बात की उसके बाद। तो ये भी बहुत बड़ी चीज है कि जो आपके साथ जो रेगुलर खेलते हैं वो आपको बैक करें और आपको समझाएं, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जिसके क्लोज हैं या अपने कोच से, अपने डैड से, किसी के भी आप उनसे बात करें तो आप बहुत रिलैक्स फील करते हैं। हाँ जी बिल्कुल. और इट इज सेड कि एक्सेप्टेंस इज द की. और जब आपने एक्सेप्ट कर लिया कि गलती हो गई, उससे आगे उभर के आना है इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. बिकॉज इवन सचिन सर इन हिज फर्स्ट वन डे इंटरनेशनल मैच गॉट आउट ऑन अ जीरो, बट टुडे ही इज अ लेजेंड. बिल्कुल तो बिल्कुल है। इट डजंट मेक अ डिफरेंस कि उस समय क्या हुआ था, उसके बाद आप कैसे आते हैं ऊपर, इट मैटर्स द मोस्ट. एंड यू हैव राइट ऑलवेज मेड टीम इंडिया वेरी वेरी प्राउड. बट KD, I have one question. Now, in your first T20 against England and also first one day international against England, आपने 5 विकेट उठाए. But in the 2019 World Cup against England, things didn't go in your favor. आपको क्या लगता है वहां पे क्या कमी रह गई थी? आई गेस मुझे ऐसा लगता है कि उनका स्टार्ट ही अलग था। उनको ऐसा था कि जब हम दोनों खेल रहे थे, चहल और मैं, उनको था कि उन्होंने अच्छा विकेट बनाया, पहली चीज तो अच्छा विकेट बनाया, फ्लैट बैटिंग विकेट बनाया, और वो सब तो चीजें चलती है क्रिकेट में। पर एट द सेम टाइम उनका प्लान कुछ अलग था। उनका प्लान ये था कि स्टार्ट ऐसे करेंगे, स्टार्ट थोड़ा नॉर्मल करेंगे, जब ये स्पिनर आएंगे तो उनको अटैक करेंगे, चाहे अगर एक दो आउट भी होते हैं तो प्रेशर में डालेंगे। तो यही एक्चुअली हुआ, पहले स्टार्टिंग में इनिशियल जो ओवर मैंने डाले 3-4 ओवर, उसमें उन्होंने अटैक किया, उसमें अटैक किया, उनके लगी बैट में एक दो चांस भी निकले, पर जैसे ही 5-6 4 5 ओवर 5 ओवर खत्म हुए, उसके बाद 5 ओवर में रन नहीं दिए। तो ऐसा होता है कि कभी कभी बैट्समैन भी सोचते हैं, क्योंकि जब आप उनके अगेंस्ट परफॉर्म करते हैं तो वो भी कहीं अलग अलग प्लान करके आते हैं कि अभी कैसे किया जाए कैसे ना किया जाए। तो मुझे लगता है उनकी प्लानिंग बहुत अच्छी थी, वेराज हमारी प्लानिंग, मेरी स्पेशली स्पिनर, मेरी और चहल की प्लानिंग इतनी अच्छी नहीं थी। हमें एक्चुअली नहीं पता था कि वो इतना अटैक करेंगे, तो शायद हमारी वो मिस्टेक। हाँ, शामी भाई ने 5 विकेट लिए थे, तो शायद वो मिडिल ओवर में हमने अगर एक दो विकेट आउट किए होते तो शायद गेम और कुछ होता है, पर होता है। और अब उसके बाद आप हाँ जी उसके हाँ जी बाद हाँ आप जी उसके बाद आप सोचते हो कि नहीं यार, आपको हमेशा दूसरी टीम से एक कदम आगे रहना, आपसे आप उनसे ज्यादा सोचना है कि नहीं, अब कभी भी वो अटैक कर सकते हैं, कभी भी प्लान कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है बॉलिंग में कोई कमी नहीं रहता है, जस्ट माइंडसेट रहता है कि हाँ बैट्समैन कुछ और सोचता है, आप शायद प्रिपेयर्ड नहीं होते उस प्लानिंग में, तो ये चीजें होती हैं। बट यू ऑल्सो सेव्ड इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान विद दैट विकेट ऑफ बाबर आजम एंड जमान. दैट वॉज ह्यूज. सो कमेंडेबल ऑन दैट एंड फॉर यू केडी. एवरीबडीज ओवरऑल परफॉर्मेंस वॉज ग्रेट, बट इंग्लैंड के खिलाफ मुझे ये एक चीज जाननी थी. एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग योर व्यूज ऑन दैट वन. और केडी, टुमारो इज फादर्स डे, तो आप अपने और आपके डैड ने आपके लिए बहुत सारी चीजें की है. मैंने आपके लाइफ के बारे में बहुत पढ़ा है. तो आप अपने पापा के लिए सबके सामने क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरे डैड ने एक्चुअली मैं क्रिकेटर बना तो अपने डैड की वजह से बना। मैं जब क्रिकेट, मुझे इतना शौक नहीं था क्रिकेट खेलने का, उन्होंने मुझे
मेरी पढ़ाई को हटा के मुझे क्रिकेट एकेडमी में डाला। शायद उनका पैशन था कि ये क्रिकेटर बनेगा या फिर इसको खिलाऊं, उनको लगता था कि वो नहीं खेले। शायद कभी कभी होता है कि आप सोचते हो कि आप क्रिकेट खेले पर आप खेल नहीं सकते, और फिर आप चाहते कि आपका कोई चाहता या फिर आपका बेटा या फिर आपका भाई खेले। तो मेरे डैड ने मुझे एकेडमी में डाला। फिर वो कभी उन्होंने कभी क्रिकेट की बात मुझसे नहीं की। मैं कभी वो क्रिकेट का ज्ञान मुझे नहीं देते कि तुम ऐसे करो वैसे करो, कभी नहीं। क्योंकि वो शायद उस समझते हैं कि जिस चीज की उन्हें नॉलेज नहीं तो वो कोच पे ही छोड़ देते हैं। तो पर बाकी चीजें जैसे बात करना, मोटिवेट करना, वो हमेशा उनकी रही है। और हमेशा मेरे पे हमेशा वो बिलीव रखते थे हमेशा। और वो पहले सोचते थे, जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया था 1-2 साल बाद, वो सोचते थे, वो कहीं ना कहीं उनको पता था कि मैं इंडिया खेलूंगा। वो सोचते थे कि मैं तुझे तेरे पास जो टैलेंट है वो इंडिया लेवल का है और मुझे दिखता है तू खेलेगा। तो कहीं ना कहीं आप सोचते हैं कि अगर आपके आपके डैड आप पे बिलीव इतना रख रहे हैं तो आप उसी हिसाब से मेहनत करते हैं। और बहुत सेक्रीफाइस भी किया, बहुत चीजें उन्होंने सेक्रीफाइस की है, और बहुत से बुरे वक्त से भी गुजरे हम लोग। क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं था कि प्रॉब्लम बचपन से फेस की है मैंने, तो उस चीज को भी उन्होंने स्ट्रगल किया। उस चीज पे भी कभी उन्होंने जिक्र नहीं किया, पर वो मैं महसूस कर सकता था कि जब मैं छोटा था तो मुझे दिखता था। और आपको अभी चांस मिला है अपने वो लाइफस्टाइल देने का, जिस लेवल के सैक्रिफाइसेस उन्होंने आपके लिए किए हैं, विच इज वंडरफुल. एंड मेरी तरफ से अपनी पापा को एक हक दे देना, बिकॉज इंडिया में ज्यादातर लोग अपने बच्चों से कहते हैं पढ़ो पढ़ो, जॉब करनी है, टीचर बनना है, प्रोफेसर बनना है, इंजीनियर बनना है. आपके पापा ने आपसे कहा क्रिकेट खेलो, यू नो हाउ लकी यू आर. एक्चुअली आई रियली डोंट नो कि उन्होंने कैसा क्यों बोला, पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उनको ऐसा लगता था कि शायद उनको एक शौक था। क्रिकेट देखते थे, सोचते थे कि उनका बेटा भी खेले, कहीं नाम कमाए। तो शायद एक ये भी सोच होती है कि उनका बेटा खेले नाम कमाए, तो बस इसीलिए। Fantastic. One thing that is very interesting about you is your painting skill. हाँ Really? एक्चुअली वही मैं सोच रहा हूँ कि कुछ I want to see a few of your paintings. एक्चुअली पेंटिंग मैंने स्टार्ट की लॉकडाउन में, क्योंकि मैं जब बचपन में पेंटिंग करता था, मैंने मेरी काफी अच्छी स्किल थी। जब मैं छोटा था तो मैंने एक बुलेट बाइक बनाई थी। बुलेट बाइक प्रॉपर उसके विजिबल पार्ट विजिबल हो रहे थे, तो मैंने बनाई थी छोटे में। तो मैम ने मुझे बोला था कि तुम्हारी स्किल बहुत अच्छी है, इसको छोड़ना नहीं। तो जब फिर उसके मुझे याद है कि जब फाइनल टर्म एग्जाम आए तो मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट में मैम ने मुझे B+ दिया। तो मैंने मैम से पूछा कि मुझे B+ क्यों दिया, तो वो बोले कि तुम्हारी आर्ट इतनी अच्छी है कि तुमने उससे अच्छा बनाया ही नहीं है, तुमने बनाया नहीं, तो मैं इसलिए मैंने तुम्हें B+ दिया क्योंकि तुम इससे अच्छा बना सकते थे, इसलिए नहीं दिया मैंने। तो लाइक इससे अच्छा मैं क्या बना था। तो वो पेंटिंग मेरे घर पे भी रखी हुई है। फिर उसके बाद अभी मुझे लॉकडाउन में मुझे टाइम मिला था, तो मैंने सोचा कि वो स्किल पे काम किया जाए। तो मैंने पहले दिन मैंने सबसे पहले दिन मैंने एक नॉर्मल पेंटिंग बनाई थी, जो कि ये पेंटिंग थी। Nice. ये सिंपल सी पेंटिंग बनाई थी। फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था पेंटिंग बनाना। फिर उसके बाद मैंने ये वाटर कलर के साथ, ये पूरी वाटर कलर है। फिर अभी तो हाँ. ये तो कुछ भी नहीं, अभी और दिखाता हूँ। फिर मैंने मेरे फेवरेट कैरेक्टर वुल्वरीन की बनाई थी। फिर मैंने उसके बाद वो बनाए थे मैंने। फिर सबसे प्यारी पेंटिंग मुझे ऐसा लगता है मैंने ये दो बनाई थी, हनुमान जी को बनाया था राम मैंने। और ये मैंने नवमी शायद, से हाँ, है. रामनवमी के दिन मैंने भगवान राम को बनाए थे। ये मैंने शायद शेयर भी किया था इंस्टाग्राम पे। हाँ जी. और उसके बाद जब मैं थोड़ा बनाने लगा था, तो फिर मैंने ऐसी ऐसी पेंटिंग बनाई आप सोच भी नहीं सकते। फिर मैंने ये पेंटिंग बनाई, ये पेंटिंग Wow, you इस can frame ये this. I like colors, the blending of the colors. आ It's very इसमें 5-6 घंटे लगे, तो इतना आसान नहीं है ये।
और उसके बाद इसी टाइम पे मैंने दो पेंटिंग और बनाई थी। हाँ, एक तो मैंने ये एक बनाई थी, कृष्ण भगवान की फोटो बनाई थी, मतलब पेंटिंग बनाई थी। हाँ फिर क्योंकि इतना टाइम था फ्री का, तो फिर एक जो भी करंट सिचुएशन है उसको देखते हुए बनाई थी, कोरोना वायरस पे मैंने शेयर की थी ये। तो लवली, हाँ ये मैंने इंस्टाग्राम पे देखी है। हाँ, तो इसके लिए कहीं और से भी एक पेंटिंग और मैंने बनाई थी, वो मैंने अभी इंस्टाग्राम पे शेयर नहीं की है, और मुझे हाँ लगता है वो पेंटिंग बहुत अच्छी है। वाओ, दैट्स रियली रियली नाइस यार, और इतना ये टैलेंट आया है तुम्हें तेरी लिए। एक्चुअली सॉरी मैं कैसे आई बोला, अभी डिड शेयर देखो दैट विद यू, आई शेयर कि दैट रिलेशन विद यू, सो देखो सही इट्स नाइस, आई एम नॉट सी, सेइंग इट्स बैड, इट्स नाइस, बट एक्चुअली किसी या किसी बट यार मैं कोई प्रोफेशनल प्रोफेशनलिस्ट तो है नहीं कि मैं एकदम से बना दूँ ठक 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 ठक, इजी हो गया बनाना। नहीं पर अच्छी है, आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड। यार एक्चुअली इसमें क्या प्रॉब्लम क्या होगी, वाटर कलर आप एक बार करते हो ना, उसके बाद बहुत, अगर आप एक मिस्टेक की तो पूरी पेंटिंग खराब हो जाती है, तो कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट करना पड़ता है उसी के साथ ही। तो कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक भी हुई है, क्योंकि आपको स्किन अच्छा कलर मैच करना है उसके साथ ही, और उसकी जो वो जो इम्पोर्टेंट चीजें होती है ना, वो बनाना बहुत टफ है। तो उससे ही आप बनाओगे, क्योंकि अगर आपका शेप खराब हो गया तो पेंटिंग खराब हो जाएगी। तो आपको मार्क लेने पड़ते हैं कि आपका सर यहाँ बनेगा, उसकी लेंथ कितनी है, पैर वहां बनेंगे, हाथ कैसे आएंगे, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और कहीं कहीं कुछ कुछ पेंटिंग में सिर्फ ब्रश का काम है, उसमें पेंसिल पेंसिल नहीं यूज हुई है। पर किसी इंसान को बनाने के लिए, किसी पेंटिंग किसी इंसान की बनाने के लिए आपको ये सब चीजों की जरूरत पड़ती है। अच्छा, अदरवाइज सीनरी जब आप बनाते तो डायरेक्टली इज द ब्रश स्ट्रोक्स। डायरेक्टली हाँ, उस वो उसमें कलर का थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, कलर आपको कैसे मिक्स करने हैं और कौन सा पहले कलर आपको करना है, ताकि जो उसकी जो आउटलाइन है वो जल्दी से जाए ना, क्योंकि वो वही बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको कलर, लाइट कलर पहले यूज करना है, डार्क कलर बाद में यूज करना है। अगर आप डार्क पहले यूज कर लोगे तो फिर लाइट नहीं यूज कर पाओगे बाद में। तो ये सब चीजें आपको हमेशा याद रखनी पड़ती हैं। अच्छा एक्चुअली मुझे भी बचपन में पेंटिंग का शौक था, बट एज यू सेड बहुत ज्यादा समय लगता है एक पेंटिंग करने में। एंड आपने जो सेकंड पेंटिंग बताई थी, यू नो विद दोस टू ट्रीज एंड दैट ऑरेंज एंड येलो कलर्स, मैंने वैसे सेम टू सेम पेंटिंग बनाई थी आई थिंक। तो जब हम पेंटिंग करना सीखते हैं वो सीनरी मतलब एक ट्रेडमार्क है हमेशा सबके लिए। हमेशा, क्योंकि आप स्टार्टिंग उसी से करते हैं, सीनरी कोई बनाते हैं तो आप उसी से स्टार्टिंग करते हैं, फिर बाद में आप कोई बड़ी सीनरी बनाते हैं, फिर आप फिर आदमी को बनाते हैं या फिर किसी चीज को बनाते हैं, तो स्टार्टिंग हमेशा आपकी सीनरी से ही होती है। I am now going to move to the mad rad segment of live connect. बिल्कुल वैसे मुझे एक चीज जाननी है, बिजू सर आपके फील्डिंग कोच ने मुझसे कहा दैट यू आर अ चार्मर, मुझसे तो कभी बात चामर, ही चामर, नहीं व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मुझे नहीं पता, उन्होंने देखा होगा तुम्हें मुझे कुछ करते थोड़ी हुए पता है। बिजू सर हमारे कोच रहे हैं, फील्डिंग कोच अंडर-19 इंडिया के साथ, तो He's वो told you to काफी say hi. He's told me to say hi to you. बिजू सर ने कहा आपको हाय बोलने के अच्छा, लिए। मैं उनको व्हाट्सएप पे नमस्कार बोल दूंगा, वड़क्कम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो नाउ केडी, वी मूव टू द रैपिड फायर राउंड। अब मैं आपको हिंदी मूवीज के नाम्स बताऊंगी, मुझे बताना कि करंट स्क्वाड में से हुम डज इट अप्लाई टू, हुम डज इट बेस्ट सूट। ओके, राउडी राठौर। शिखर धवन, अरे आई लव दैट गाय, आप प्लीज टेल हिम ऑन माई बिहाफ, आई लव हिम। अरे बहुत अच्छा मेरे मेरे लिए बहुत प्यार, पाजी के लिए बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, बहुत अच्छे बंदे हैं, बहुत नेक बंदे हैं, और बहुत मजा आता है उनके साथ, और ज्यादातर टाइम में उनके साथ भी बहुत बिताता हूँ, मजे करते रहते हैं। आजकल वो बांसुरी बनाना सीख गए हैं, पिछले 4-5 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब तो वो प्रॉपर अच्छी तरह से बजाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है उनके साथ, और बहुत दिल के बहुत नेक बंदे हैं, और बहुत मजा आता है उनके साथ। उनके इंस्टाग्राम पोस्ट से ही उनके दिल का हाल पता चलता है। आई एम अ ह्यूज फैन, आई लव हिम मोर, नो आई मीन आई लव हिम बिकॉज एज अ क्रिकेटर ऑल्सो, बट आई लव हिम मोर एज अ पर्सन, सो प्लीज टेल हिम ओके दैट। ओके ओके, माय नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज दबंग।
दबंग दबंग केदार जाधव आवारा पागल दीवाना आवारा पागल दीवाना सबका एक तो फिर चहल ही होगा। हाँ तो मैं आई वाज वेटिंग फॉर तो आई दैट थॉट कि तीन ना आंसर बोलने हैं, तीन भी हो वन गया नहीं ना। नहीं एक हीरो नंबर ओके वन हीरो नंबर वन जो डांस अच्छा कर लेता हो वही हीरो नंबर वन होगा। हाँ कौन है हार्दिक हीरो नंबर वन। बिल्कुल बचना ए हसीनो कुलदीप यादव है ना नहीं, तुम शर्मा रहे हो और नहीं 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 बोल रहे हो फिर से मनीष पांडे, मनीष पांडे अब तो शादी हो इट्स गई। अ वेरी गुड कवर अप हाँ मनीष पांडे सो टेल मी द क्रेजीएस्ट थिंग अ फीमेल फैन हैज डन फॉर यू डन फॉर मी, आई मीन एक्चुअली क्या किया है ऐसा, एक्चुअली एक बार इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था, किसी लड़की ने मैसेज किया था कि चलो शादी कर लेते हैं। तो मैंने कहा मतलब वो क्या ये, हाँ ऐसे 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 भी लोग फैन होते हैं, पर फैंस की वजह से हम लोग हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा है रहता है कि अगर आप फैंस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, अपने अपने फैंस से शादी कर बातें लो करते। तो अभी शादी कर टाइम ले अभी अभी कर लेंगे टाइम है, क्यों परेशान हो रहे हो, आपको इनवाइट करेंगे मस्ती जरूर। अच्छा टेल मी व्हाट इम्प्रेसेस यू अबाउट अ गर्ल एक्चुअली जो लड़की समझती हो आपको, वो आपको समझती हो अच्छी तरह से, वो लड़की हमेशा अच्छी होती है मेरे हिसाब से। और जो आपको रिस्पेक्ट करे और एट द सेम टाइम आप उसकी रिस्पेक्ट करें, वो ज़्यादा इम्प्रेसिव लगती है। तो फीमेल फैंस आपका पत्ता कट क्योंकि इनको अंडरस्टैंड करने के लिए देयर शुड बी समबडी हु पर्सनली नोज हिम तो माइनस फॉर दैट फॉर द फीमेल फैंस आई एम सॉरी अच्छा आई नो यू आर अ बार्सिलोना फैन कल रात भी मैच देख रहे थे ना मैं कल बार्सिलोना का मैच, सेविया से मैच था बार्सिलोना का, तो 70 मिनट तक देखा था, ड्रॉ हो गया, उसके बाद मैं नींद आ रही थी सो गया था। सो टेल मी हुज योर ऑल टाइम फुटबॉल फेवरेट फुटबॉल ऑल टाइम आई पुट ब्राजीलियन रोनाल्डो, वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर आई हैव सीन। उसके बाद मेसी, देन हाँ नेमार जूनियर। नाइस सो नाइस लेकिन तीनों में से नाउ एक चुनना हो तो तीनों में से एक आई जस्ट वांट वन आंसर नेमार जूनियर। जी बिल्कुल और अगर आपकी लाइफ में कोई मूवी बनाई जाए व्हिच एक्टर वुड लाइक टू प्ले कुलदीप यादव मैं ही करूंगा एक्टिंग, और किसी को थोड़ी करना है अच्छा एक्टिंग। बॉलीवुड में काम कर रहे हो तुम अभी अच्छी है, शाहरुख भाई के साथ 6 साल से टीम में खेल रहे हैं, इतना तो शाहरुख भाई करेंगे। नाइस टू नो दैट आई एम गोइंग टू पुट दिस अप आई वांट शाहरुख टू वॉच दिस अच्छा वन सीक्रेट अबाउट यू व्हिच नोबडी नोज नोबडी नोज, which you can share. I know it's a secret, but you can share it with us. आई प्ले पबजी नाउ, सो ये अभी सीक्रेट किसी को पता है नहीं तो। Hey, that is not a secret. We don't want to know. Everybody plays PUBG. That you have two girlfriends. पागल हो गया, ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है। नहीं ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है यार, क्योंकि सब इंटरव्यू में शायद ऑलमोस्ट कवर कर गया, सोता भी हूँ मैं, वो सबको पता है। और एक्चुअली एक सीक्रेट मेरा ये है कि मुझे रनिंग बहुत पसंद है, और शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि आई लाइक टू रन लॉन्ग रनिंग, यू नो। तो मुझे हमेशा रहता है कि जब भी मैं फ्री होता हूँ, जब मुझे ऐसा लगता है कि रनिंग करनी है, तो मैं 5 किलो 6 किलोमीटर दौड़ता हूँ, तो वो मुझे बहुत पसंद वाओ है। तो वो चीज़ एक्चुअली मुझे बोला भी गया है कि आपको लॉन्ग रनिंग नहीं करनी, क्योंकि आपका स्टेमिना अच्छा है, पर जो स्पीड वर्क है वो उतना बेटर नहीं है, तो उस पर काम करने के लिए बोला गया। बट क्योंकि आपको अच्छा लगता है, इसलिए आप वो चीज़ करते हैं। ओह नाइस मैन 5 टू 6 किलोमीटर बहुत ज्यादा हो गया यार केडी तुम तो तोप निकले
वाओ, आई एम वेरी अरे इम्प्रेस्ड. एक्चुअली जब एड्रियन टीम के साथ थे तो मैं उनके साथ 10-10 किलोमीटर दौड़ता था वाओ, फुल या तो कभी आप पूछना चांस ऑफ एड्रियन बीइंग पार्ट ऑफ द मिलिट्री आल्सो, हाँ, आफ्टर क्रिकेट. नहीं आप आफ्टर आफ्टर क्रिकेट मैं शायद मैराथन जरूर ट्राई करूंगा, 50 किलोमीटर या फिर जो भी होगा जिसकी प्रैक्टिस करूंगा। तो एक्चुअली वो भी फन है। ओके, अगर आपको एक दिन के लिए किसी के साथ लाइफ एक्सचेंज करनी हो तो हु वुड यू लाइक टू एक्सचेंज इट विद एंड व्हाई? लाइफ एक्सचेंज करनी हो तो माय डैड। ओह सो स्वीट, आई लव दिस आंसर. तुम मुझे रुलाओगी कि अच्छा, व्हेन यू जॉइन द टीम एज अ न्यूबी, आप पे क्या क्या प्रैंक्स खेले गए, वो उनमें से कुछ तो बताओ विच यू कैन शेयर. ऑब्वियसली आई नो यू कैन नॉट शेयर एवरीथिंग, डोंट कवर योर फेस, जो नहीं शेयर कर एक्चुअली सकते हो प्रैंक्स बताओ. तो नहीं, एक बार जब हमेशा जब अभी अब शायद रूल चेंज हो गया है, पीसी भाई का मैसेज आया सर, बिग फैन पीसी भाई, बिग फैन ऑफ यू सर पीसी भाई, व्हाट्स अप पीसी? आप पीसी भाई आपको मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, और केकेआर से आप चले गए हैं, आपने छोड़ दिया ऐसे ही, और सर मुझे मत बोलिए पीसी भाई रुलाएंगे क्या आप अरे एक्चुअली जब 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 अभी के टाइम पे पीसी भाई बोले वन व्यू प्लीज तो स्वीट हार्ट यार, पीसी वाज सो स्वीट हार्ट. जब जब मैं टीम में आया था तो अभी शायद वो नहीं है, तो जब मीटिंग होती थी, मीटिंग के बाद जैसे मीटिंग खत्म होती तो चेयर के ऊपर खड़े होकर आपको बोलना पड़ता था तो क्या 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 पीसी 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 भाई बोले छोड़ा नहीं छुड़वा दिया गया के तो वो चीज अब नहीं होती, पर आप बहुत प्रेशर फील करते हो, पर जब आपकी जब आप बोलते हो तो आपकी आवाज ही नहीं निकलती, क्योंकि सब सीनियर प्लेयर आपके साथ बगल में बैठे रहते, कोच बैठे रहते, तो आपकी आवाज नहीं निकलती, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम रहते हो, सब आपके लिए बहुत अलग एक्सपीरियंस रहता है, अभी आवाज नहीं लगती तो धीरे धीरे बोलते हो, फिर वो हंसते भी मजाक उड़ाते, तो वो भी बहुत फन होता है उसपे, अलग सा एक्सपीरियंस है वो भी. बिल्कुल बहुत अलग एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं स्टेट की टीम में आप हैंडल कर सकते हो, पर जब इंटरनेशनल में आप खेलोगे, आप देखोगे रोहित भाई विराट भाई कोच माही भाई लोग बैठे हुए हैं, उनके सामने आपको बोलना है तो बहुत डिफिकल्ट होता है। बट अच्छा है यार, आपका कॉन्फिडेंस लेवल प्रैंक खेल के भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहे हैं, विच इज वाओ. आई लव दिस थिंग इन द टीम दैट इज. अच्छा, जब आप नाचते हैं आप कैसे दिखते हैं? व्हेन यू मैं डांस नाच यू लुक लाइक. ओ एक्चुअली मुझे नाचना नहीं आता है, इस पे मुझे वर्क करना आई नो, चाहिए आई हैव सीन यू इन द पार्टी. हाँ देखा आई मैंने, वो एम बहुत जस्ट गोना देखा मैंने, बहुत शाहरुख भाई ने मुझे बहुत नचाया है, और बिल्कुल बेकार नाचता हूँ, तो मुझे इसकी क्लासेस लेनी पड़ेंगी और जैसा लगता है आस्क यू. तो आपके हिसाब से आप कैसे दिखते हैं, फनी या बहुत स्टूपिड? गंदे, मतलब बहुत गंदे, फनी अच्छा, फनी स्टूपिड तो बहुत बहुत अच्छा आंसर है गंदे वर्स्ट अच्छा वर्स्ट वर्स्ट डांसर जो आते नहीं है, जो कभी कभी फनी वीडियो में आते हैं कि ये कैसे ऐसे नाच रहा, तो वैसा ही डू यू कुछ। नो दोस वीडियोस गो सो वायरल? डू यू नो हाउ वायरल दोस वीडियोस गो? बिकॉज पीपल, देखो बहुत सारे परफेक्शन परफेक्ट वाले वीडियो आते हैं, लेकिन ऐसा जो एक अलग सा वीडियो आता है ना, वो बहुत ज्यादा वायरल हो जाता है. ट्राई डूइंग वन. नहीं, मुझे वायरल नहीं होना ओके, है, अच्छे काम के लिए वायरल करो यार आई एम मूविंग टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच प्रोडक्ट वुड यू रिफ्यूज टू प्रमोट, जो आप नहीं प्रमोट करेंगे कभी? बियर आई गेस अल्कोहल, क्योंकि मैं नहीं पीता और मैं नहीं चाहूंगा कि वो उसको मैं प्रमोट करूं। अच्छा, कभी नहीं पिया या पीते थे और बंद कर दिया? नहीं, मैं कभी नहीं पीता था, मैंने कभी नहीं पिया, कभी मैंने हार्डली कभी ट्राई किया हो तो मुझे नहीं याद है, पर मैं पीता नहीं, मुझे कोई शौक नहीं पीने का। ओके, ऑल राइट, आई विल गो विद एन आंसर. योर ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग, जो आप हमेशा सुनते हैं, गम में, खुशी में, स्ट्रेस में. बहुत है एक्चुअली, ऑल टाइम एक नहीं हो सकता गाना आपका,
बहुत सारे गाने आप सुनते हैं, और मेरा एक ही गाना फेवरेट है इस टाइम पे, काफी टाइम से, मतलब मैं उसको हमेशा हमेशा वो सुनता रहता हूँ, आनंद मूवी का जो है, कहीं दूर जब दिन ढल जाए तो वो वाह हमेशा मैं सुनता हूँ गाना, वो मुझे बहुत पसंद है, मुकेश जी का गाना हुआ। या इट्स अ गुड इट्स अ नाइस सॉन्ग. ओके और विद दैट आई कम टू द एंड. बट केडी व्हाट वुड यू लाइक टू से टू ऑल योर फैंस हु आर वाचिंग यू. और बहुत ज्यादा लोग यू हैव ऑलरेडी टोल्ड हाउ यू केम आउट ऑफ द सिचुएशन, लेकिन आप अपने फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरे फैंस को एक ही मैसेज है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग हियर, एंड मुझे बस एक ही चीज कहनी है कि लाइफ पे अगर हम दूसरे के बारे में सोचेंगे तो उनको देखेंगे तो वो ज्यादा टेंशन में रहते हैं, ना कि हम, और हमें हर हर चीज प्रोवाइड होती है, और जो लोग कैपेबल है और उन्हें किसी चीज का रोना नहीं चाहिए, और उन्हें मेहनत करते हमेशा करते रहने चाहिए, मेहनत मेहनत मेहनत। मेरी लाइफ का एक ही फंडा था कि मेहनत मेहनत मेहनत, उसके अलावा कोई मैंने चीज सोची नहीं अपनी लाइफ में। और जब भी मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ, जब भी मैं बॉलिंग भी करता हूँ, तो मैं हमेशा मेहनत 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 सोच करता रहता हूँ, बॉलिंग करता रहता हूँ, ताकि कहीं मैं कोई चीज पे छोड़ू ना। तो लाइफ में भी सिंपल यही चीज है, आपको मेहनत हमेशा करते रहनी चाहिए, और हमें होना चाहिए, हमें एक चीज और करनी चाहिए कि हमें अगर ऐसा आपको लगता है कि आप केपेबल हो किसी की मदद करने के लिए, अभी इस सिचुएशन में हमेशा आप, बहुत से लोग हैं बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उनको बहुत लोगों को खाना भी नहीं मिल रहा है, बहुत लोगों को घर भी नसीब नहीं है, तो आप अगर आपको हाँ लग जी रहा है कि आप केपेबल हो कोई चीज करने में, तो आप उनकी आसपास के लोगों की मदद करें ताकि उनको अच्छी लाइफ मिल सके, और आपको आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, आप एक बार मदद करके देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और वो एक ह्यूमैनिटी को जिंदा रखती है वो चीज, और आज के टाइम पे इस सिचुएशन में हमें इस दौरान हमें वही चीज चाहिए। थैंक यू सो मच केडी फॉर ऑल योर टाइम एंड फॉर शेयरिंग एवरीथिंग अबाउट योर लाइफ ऑन लाइफ कनेक्ट. मुझे तो बहुत बहुत ज्यादा मजा आया एंड दैट्स आई क्रॉस मोर देन आई टोल्ड यू 30 मिनट्स एंड इट वेंट टू मोर देन 1 आवर एंड आई स्टार्टेड अ सेकंड लाइफ. दिस हैज हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम. थैंक यू सो वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू केडी. कीप रॉकिंग एंड हैप्पी फादर्स डे टू योर डैड फ्रॉम माई साइड. थैंक यू मरुणा, सी यू सून, बाय टेक केयर. बाय 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 बाय. बाय बाय। Thank you so much everyone for joining in. I hope you enjoyed this oh so interesting live and I was surprised it went for more than 1 hour and I had a great time. I hope you guys enjoyed too. So stay blessed, खुश रहो यार, टेंशन मत लो. जैसे केडी ने कहा है, ये वक्त है इज द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. तो बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड. बाय.